मैम, इस वीडियो के अंदर जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे। ये जितने पॉइंट्स की इसमें अपन चर्चा करेंगे वो सारे पॉइंट्स महाराष्ट्र बैंक के जो पीओ और क्लर्क का एग्जाम होने वाला है और साथ में आईबीपीएस पीओ जो मेंस का एग्जाम होने वाला है, दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप देख रहे हैं बैंकर्स पॉइंट। हमारी न्यूज़ पोर्टल साइट newskidunia.com को विजिट करना ना भूलें। और हमने आपसे कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए, आपको सारी अपडेट फेसबुक के ऊपर देने के लिए एक फेसबुक का पेज बनाया है जिसको आप लाइक कर सकते हैं। उसका जो लिंक आपको होगा वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप फेसबुक के पेज को लाइक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ जिनके बारे में अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट्स कंट्री और कैपिटल कंट्रीज़ की, जिसके आपको करेंसी और कैपिटल याद करने हैं। याद वैसे अगर आप करना चाहो पूरे याद कर लीजिए, लेकिन एटलीस्ट अगर किसी को पूरे नहीं याद हैं तो लास्ट जो है 4-5 दिन बचे हैं इनके अंदर एटलीस्ट आप इन कंट्रीज़ की कैपिटल और करेंसी ज़रूर याद कर लीजिएगा। इसके अलावा फिर कुछ रेट्स की बात कर रहे हैं, ऐप्स एंड वेब की बात करेंगे, कुछ कोई गवर्नमेंट संस्था ने, कोई एप्लीकेशन है, वेबसाइट, ऐसे करके अपन ने इन 14 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनके ऊपर बात करने वाले हैं। इनमें जो पिछले 2 या 3 महीने के इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि आपको एक पेन और कॉपी साथ में रखना पड़ेगा, ताकि मैं कुछ एक्स्ट्रा बताऊँ, कुछ और बताऊँ, तो आप उसको साथ में ही नोट डाउन करते जाएँ। आपको क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है मैं वो भी बीच बीच में बताता रहूँगा, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कंट्री और करेंसी, एक करेंसी और कैपिटल के लिए कंट्री की लिस्ट दे देता हूँ, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और इन सब की कैपिटल और करेंसी आपको याद करनी है। ब्रिक्स का मतलब, ब्रिक्स के अंदर जो अपने 5 कंट्रीज आती हैं जैसे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, इन मतलब 5ों कंट्रीज़ के आपको याद करने हैं करेंसी एंड कैपिटल। इसके अलावा बाकी की लिस्ट है, ये लिस्ट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इस लिस्ट को बनाने का। इस लिस्ट को बनाने का एक सिंपल तरीका है कि पिछले 3 महीने में जो जो कंट्रीज़ न्यूज़ के अंदर चल रही है उस कंट्रीज़ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो उन्हीं के आपको याद करने हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैं कुछ और बात बताना चाहूँगा आपको। इस वीडियो के अंदर अगर मैं इन इन कंट्रीज़ के अलावा किसी और कंट्रीज़ की अगर बात करता हूँ वो इस लिस्ट में नहीं है, तो आप उसको वहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा और उसकी करेंसी और कैपिटल भी आपको याद करनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। यहाँ से ये जो पेज आपको दिख रहा है, ये जो आपको फ्रेम दिख रही है, इस फ्रेम में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके अंदर मैंने कुछ रेट्स दिए हैं, बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, EPF, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। ये रेट्स आप याद कर लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये रेट्स चेंज हो गई हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में जिसने भी पढ़ा हो उसके बाद में ये रेट्स चेंज हो गई हैं, इसलिए इन रेट्स को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बैंक रेट 6.75, CRR 4%, SLR 20.75, रेपो रेट 6.25, रिवर्स रेपो रेट 5.75, MSF 6.75, EPF 8.75। दोस्तों लेकिन इनमें से एक आ जाएगा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी अपन सेफ साइड चल रहे हैं, इसलिए मैंने कुछ और इसके अंदर आपको कुछ और रेट्स भी दे दी हैं जो आ सकती हैं। सर्विस टैक्स रेट इंक्रीज टू 15% इंक्रीज हो गई है। इंटरेस्ट रेट पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF स्लेस्ड 8.1% फ्रॉम 8.7%। ठीक है दोस्तों, ये इंटरेस्ट रेट है, वो EPF है ऊपर वाला। इंटरेस्ट रेट ऑन किसान विकास पत्र कट टू 7.8% फ्रॉम 8.7%, यानी कि पहले 8.7 था, अब 7.8 पे आ गया है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही करके मैंने 2-3 रेट और दिए हैं इसके अंदर, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप नोट डाउन करते चलिए इन चीज़ों को। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ऐप्स एंड वेब पोर्टल के बारे में बात करते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा बात करेंगे इसके लिए। कर्नाटका बैंक ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसको KBL स्मार्ट नाम से अपन जानते हैं। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने एक मोबाइल ऐप हिम TCP लॉन्च की है, ये हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च की है। इसको आप आराम से याद कर सकते हैं, KBL कर्नाटका बैंक और हिमाचल से हिम याद कर सकते हैं, ऐसे ही आप आपस में इंटरलिंक करके याद किया कीजिए। और इन न्यूज़ में जो मैं बता रहा हूँ, इनमें जो बैंक्स की जो न्यूज़ हैं, बैंक से रिलेटेड न्यूज़ है, वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अनन्या एक प्रोजेक्ट है जो सिंडिकेट बैंक ने लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों,
आई मोबाइल स्मार्ट की मोबाइल ऐप आईसीआईसी बैंक ने लॉन्च की है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। मोबाइल बेस्ड पेमेंट सॉल्यूशन एम वीज़ा डीसीबी बैंक ने लॉन्च किया है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ई निर्वाण ऐप, ये क्वेश्चन भी निवारण ऐप, ये ई निवारण ऐप, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने ये ऐप लॉन्च की है, तो इस ऐप के बारे में भी आप पढ़ लीजिए। सीबीडीटी ने ई निवारण ऐप लॉन्च की है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस रिड्रेसल ऑफ टैक्स पेयर ग्रीवियंस, यानी टैक्स पेयर्स की जो समस्याएं होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये एक पोर्टल बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आरबीआई ने सचेत पोर्टल, जो कि मैंने पिछली बार भी कैप्सूल में डाला था और बैंक ऑफ बड़ौदा में आया भी था ये क्वेश्चन, सचेत पोर्टल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलीगल मनी कलेक्शन, जो ब्लैक मनी है, उसके लिए आरबीआई ने इसको लॉन्च किया है, उसकी हेल्प से आरबीआई इलीगल मनी कलेक्शन को रोकने की कोशिश कर रहा है। डीसीबी बैंक फिर से आ गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीसीबी बैंक ने आधार इनेबल्ड एटीएम कार्ड बेंगलोर के अंदर लॉन्च किया है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे करते सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसके अंदर दिए हैं। ये आईटी डिपार्टमेंट व ई निवारण के बारे में अपन बात कर चुके हैं। एसबीआई ने एसबीआई मिंगल ऐप लॉन्च किया है, सोशल मीडिया बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू आप फेसबुक ट्विटर के ऊपर भी आप डायरेक्ट पेमेंट करिए, कोई भी चीज़ की शॉपिंग वगैरह या फिर कोई भी पेमेंट ट्रांसफ़र करना हो, वो कोई भी ट्रांजेक्शन एक्टिविटी आप कर सकते हैं मिंगल ऐप के थ्रू। इसके अलावा एसबीआई कार्ड ने सिंपली क्लिक नाम का एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, जिससे आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम का पावर बैंकिंग ऑपरेशन एक सॉफ्टवेयर है, उसको लॉन्च किया है। इससे क्या है, ऑपरेशंस की स्पीड में जो अपन बैंक के अंदर काम करते हैं, जो एम्प्लॉयज उनके जो काम करने का तरीका है उसके अंदर स्पीड आ जाती है, थोड़ी स्पीडली वो सारे काम हो जाएंगे इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स नाम का सॉफ्टवेयर आईसीआईसीआई बैंक ने बनाया है। इसके अलावा स्मार्ट वॉलेट नाम की एक डिजिटल लॉकर आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है, तो डिजिटल लॉकर का कहीं भी स्मार्ट वॉलेट आ जाए तो आप उसमें आईसीआईसीआई बैंक आंसर कर दीजिएगा। इंडिया फर्स्ट कॉन्टैक्ट लेस मोबाइल पेमेंट सॉल्यूशन आई टेप, ये भी आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है। आईसीआईसीआई बैंक का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट आपको आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बता दी। इसके अलावा एक तरंग मोबाइल ऐप है, जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, कंस्ट्रक्शन पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स के लिए, ये उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, उनको ट्रैक करने के लिए, उनमें काम कहाँ तक पहुँचा, प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा, उसके लिए तरंग नाम की मोबाइल ऐप बनाई है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस ऐप के बारे में भी पढ़ लीजिए। इसके अलावा विद्यांजलि मोबाइल ऐप एक, गवर्नमेंट स्कूल में किसी को वॉलेंटियरली वर्क करना है उसके लिए विद्यांजलि मोबाइल ऐप एक बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, और पढ़े भारत बढ़े भारत की एक स्कीम के तहत इसको बनाया गया है, एमएचआरडी डिपार्टमेंट के अंडर में। ठीक है, इसके अलावा एक कैसी नाम की ऐप बनाई है, फिनटेक कंपनी ने बनाई है। ठीक है दोनों, ये ऐप कैश गिविंग ऐप है, अपनी पहली टाइप की कैश गिविंग ऐप कैसी ऐप है, जिसको फिनटेक कंपनी ने बनाया है। इसके अलावा निवारण ऐप रेलवे मिनिस्ट्री ने भी लॉन्च किया है, अपनी समस्याओं को, जो भी कस्टमर्स की समस्याएं हैं उनको सॉल्यूशन करने के लिए, जो भी यात्री हैं पैसेंजर्स की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, ये ऐप निवारण ऐप रेलवे ने भी लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, एक प्रशिक्षक नाम का एजुकेशन पोर्टल MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, तो प्रशिक्षक ऐप ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने एक एचआरडी मिनिस्टर के लिए स्वयं प्लेटफॉर्म एक डिज़ाइन किया है, जिसके अंदर आप ओपन ऑनलाइन कोर्स होगा, मैसिव ओपन 2000 के आसपास ये ऑनलाइन कोर्स देने वाले हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो इसका जो वो सारा ऑपरेटिंग कर रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है और एचआरडी मिनिस्टर के अंडर कर रहा है, और इसका नाम स्वयं प्लेटफॉर्म होगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कुछ और ऐप की बात करते हैं। माई स्पीड मोबाइल एप्लीकेशन नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, ट्राई ने इसको लॉन्च किया है, ये मोबाइल इंटरनेट की स्पीड चेक करने के लिए है। ठीक है दोस्तों,
ऊर्जा अर्बन ज्योति अभियान मोबाइल एप्लीकेशन फॉर अर्बन पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर, ये पावर मिनिस्ट्री ने ये लॉन्च किया है। तो ये ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐप है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, या तो ये जो एप्लीकेशन है कौन से डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया, या फिर इसकी स्पेसिफिकेशन दे देगा कि अर्बन ज्योति अभियान मोबाइल अर्बन पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के लिए कौन सी ऐप पावर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। तो आपका ऑप्शन होगा ऊर्जा, इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। सूर्य मित्र मोबाइल ऐप भी एक ऐप लॉन्च की है, पावर टू इनहेंस द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ट्रेंड यूथ इन सोलर पीवी टेक्नोलॉजी। सोलर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए सूर्य मित्र मोबाइल ऐप एक लॉन्च किया गया है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ही इसको लॉन्च किया है। तो उन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर की दो एप्लीकेशन होगी, एक ऊर्जा ऐप, एक सूर्य मित्र ऐप। इसके अलावा एक हेरिटेज पोर्टल बनाया गया है जिसको सहापीडिया नाम से बोल सकते हो आप, सहपीडिया। द वेब पोर्टल इज कोलोबरेटिव नॉलेज रिसोर्सेज ऑन आर्ट्स कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, इंडिया के जितने भी हेरिटेज प्लेसेस हैं, जो कल्चरल चीज़ें हैं, आर्ट्स हैं, इनके बारे में ये सारा पोर्टल नॉलेज देगा। ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, ताकि बाहर से कोई आए या फिर इंडिया में कोई कहीं घूमने जाए तो उन लोगों को पता चल पाए कि वहाँ पर कौन कौन से प्लेसेस घूमने लायक है। इसके लिए सहपीडिया एक नाम से ऐप बनाया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र पोर्टल भी एक राधा मोहन सिंह ने, जो अपने एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर हैं न्यू दिल्ली में, इसको लॉन्च किया गया है। इसके थ्रू किसानों को हेल्प मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो किसान विज्ञान केंद्र पोर्टल ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की ऐप है, और इससे किसानों को हेल्प करने के लिए इस ऐप को बनाया गया है। और राधा मोहन सिंह, जो अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर मान लो, आप फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर मान लो, उन्होंने इसको न्यू दिल्ली के अंदर लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, विद्युत प्रवाह मोबाइल ऐप। यूनियन गवर्नमेंट ने लोगों को 24 घंटे सातों दिन वीक के सप्लाई देने के लिए पावर की, ये एक ऐप लॉन्च की। अगर इसमें कोई आपको दिक्कत आ रही है तो आप इस ऐप के ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं। इसलिए विद्युत प्रवाह मोबाइल ऐप ये अपने इम्पावर टू कॉमन पीपल टू डिमांड 24x7 पावर। आप इलेक्ट्रिसिटी के इसके थ्रू डिमांड कर सकते हैं। इसके अलावा सुगम्य पुस्तकालय, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक ई लाइब्रेरी बनाई है, यानी इंटरनेट की लाइब्रेरी बनाई है, जिसमें जो दिव्यांग लोग हैं, जो डिसेबल लोग हैं, ये लोग इसके थ्रू पढ़ सकते हैं। जैसे कुछ इनको दिव्यांग लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कोई देख नहीं सकता, तो उसको ई लाइब्रेरी के थ्रू ऑडियो बुक प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिससे वो सुन के कोई भी नॉवल पढ़ सकता है, कोई भी नॉलेज की बुक पढ़ सकता है, कोई भी अपने सब्जेक्ट की बुक पढ़ सकता है। सुगम्य पुस्तकालय एक दिव्यांग लोगों के लिए ई लाइब्रेरी, इंटरनेट लाइब्रेरी बनाई गई है, जो ऑनलाइन अवेलेबल है। स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो वैसे बहुत सारी न्यूज़ डिस्कस करने के लिए हैं, लेकिन सारी न्यूज़ें यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो मैं यहाँ पर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक को फोकस करके चल रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में इसके अलावा जो लेटेस्ट न्यूज़ और आई हैं वो आप देख लीजिएगा, जहाँ तक संभव होगा यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी एक दो दिन पहले अपन ने एक वर्ल्ड कप जीता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। ठीक है, वर्ल्ड चैम्पियन बने हैं हम एक गेम के अंदर। आपको मैं उस गेम का नाम नहीं बताऊंगा, उस गेम की कोई भी डिटेल नहीं बताऊंगा। आपको उस गेम के अंदर ये देखना है कि वहाँ पे मैन ऑफ द सीरीज़ किसको दिया गया, मैन ऑफ द मैच किसको दिया गया, उस सीरीज़ के अंदर कैप्टन कौन था अपनी टीम का, किसके खिलाफ वो मैच खेला गया है, और किन से स्टेडियम के अंदर वो मैच खेला गया है। ये सारी चीज़ें आपको उसके बारे में पढ़नी है। नेट पे जाइए और सर्च कीजिए, नेट पे जाके सर्च करेंगे आपको ज़्यादा याद रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पे उसके बारे में बता नहीं रहा हूँ। कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और वहाँ पे जाके फिर नेट पे सर्च कीजिएगा। ओलंपिक के बारे में मैं पूरी डिटेल आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। रियो ओलंपिक 2016 में जो कमेटी थी, ओलंपिक कमेटी, उसके प्रेसिडेंट थॉमस बेच थे, और रियो दे जेनेरियो ब्राज़ील के अंदर ये होस्ट किया गया था इस प्रोग्राम को। इसका जो स्लोगन था, ए न्यू वर्ल्ड, ठीक है, ये था, और ये जो ब्राज़ील की भाषा के अंदर आगे लिखा गया है। द 2020 समर ओलंपिक विल बी हेल्ड इन टोक्यो, जापान के अंदर होगा अगला ओलंपिक, जो समर वाला होगा 2020 के अंदर। इस ओलंपिक में दो नए गेम शामिल किए गए थे, गोल्फ और रग्बी, तो ये पूछ सकता है आपको। उसेन बोल्ट ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं इसके अंदर। इंटरनेशनल प्लेयर्स की मैं सिर्फ दो प्लेयर्स की बात करूंगा यहाँ पे, उसके अलावा अपन इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात नहीं करेंगे। उसके अलावा अपन अपने देश के जो प्लेयर्स जीत के लाए हैं गोल्ड, उनकी बात करेंगे।
मिशेल फेलिप्स ने 5 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता, इसलिए ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा न्यूज़ पढ़ना चाहो वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन ये दो इंटरनेशनल प्लेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ओलंपिक के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेडल्स इन लोगों ने जीते हैं। यूनाइटेड स्टेट टॉप किया है, ठीक है, वो 5वीं बार उसने टॉप किया। ये क्वेश्चन बैंक ऑफ बड़ौदा में आ गया था कि रियो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल किस देश ने जीते थे, तो वहाँ पे आंसर था यूनाइटेड स्टेट्स। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि लिस्ट में टॉप यूनाइटेड स्टेट ने किया था। अपने इंडिया की जो रैंक थी वो 67 थी, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों, ये आप नोट कर लीजिए। इंडिया एट रियो ओलंपिक 2016, जिम्नास्ट दीपा कर्माकर नेरोली मिस्ड द ब्रॉन्ज बाई फिनिशिंग फोर्थ इन द वुमन वर्ल्ड। यहाँ से आपको पूछा जा सकता है सिर्फ इतना ही कि दीपा कर्माकर कौन से गेम से बिलोंग करती है, तो आप लिखोगे जिम्नास्ट, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा एक आदिति अशोक है जो गोल्फ खेलती है, वो उन्होंने बहुत अच्छा गोल्फ में परफॉर्मेंस दिया था, 18 ईयर ओल्ड ही है वो, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। तो आपसे ज़्यादा ज़्यादा ये पूछेगा आदिति अशोक कौन से गेम से रिलेटेड है, गोल्फर है वो एक, ठीक है। रेसलर नरसिंह यादव, ये भी बहुत न्यूज़ों में चला है, इसके ऊपर 4 ईयर का बैन लगा दिया है नाडा ने, ठीक है। नाडा ने तो क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स ने उसको 4 साल के लिए बैन लगा दिया है, ठीक है दोस्तों। सीमा पूनिया फेल टू क्वालिफाई फॉर फाइनल इन वुमेन्स डिस्कस थ्रो ऑन द डे ऑफ द रियो। तो ये सीमा पूनिया भी, ये किस गेम से संबंधित है, डिस्कस थ्रो के नाम से आप ये गेम है, तो इससे संबंधित है ये। इसके अलावा दीपिका कुमारी, ये भी बहुत अच्छी प्लेयर हैं, शूट ऑफ में खेलती हैं ये, तो इनके बारे में भी पढ़ लीजिए। इनके बारे में भी ज़्यादा ज़्यादा ये पूछ सकता है कि ये किस गेम से संबंधित है। गगन नारंग, ठीक है, ये शूटर हैं। इसके अलावा मैंने कुछ नाम और दिए हैं जो इसी से रिलेटेड हैं, राइफल शूटिंग से रिलेटेड हैं, तो इनके भी गेम कौन कौन से खिलाड़ी हैं और कौन कौन से गेम से ये संबंध रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। योगेश्वर दत्त जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चले थे, तो वो पहले ही मैच के अंदर हार गए थे, तो वो किस गेम से, रेसलिंग से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है, और पहले ही मैच में ये हार गए थे। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं अपने लिए ओलंपिक के अंदर, वो ये दो न्यूज़ हैं, ठीक है दोस्तों। साक्षी मलिक, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता है वुमन सिंगल बैडमिंटन इवेंट एट रियो ओलंपिक 2016 बड़ौदा के अंदर, ये क्वेश्चन भी था साक्षी मलिक वाला क्वेश्चन, दूसरी शिफ्ट के अंदर था बड़ौदा के अंदर। दोनों ही क्वेश्चन बैंक ऑफ बड़ौदा में आए हैं और इस बार भी दोबारा आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता है बैडमिंटन सिंगल्स के अंदर, साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 58 kg रेसलिंग के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो ये दो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा विनेश फोगाट, ये रेसलिंग वुमन फ्री स्टाइल रेसलिंग 48 kg से रिलेटेड है। इसके अलावा अपन इन पैरा ओलंपिक की बात करेंगे अब, ठीक है। पैरा ओलंपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो दोस्तों पैरा ओलंपिक का कोई भी क्वेश्चन बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं आया, अभी तक कोई एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन अब इस एग्जाम में पैरा ओलंपिक का कोई भी क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। तो पैरा ओलंपिक के 3-4 पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, इससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। देवेंद्र झाझरिया पहले इंडियन बन गए हैं जो गोल्ड लेके आए हैं एथेंस, ठीक है, 2004 में ये गोल्ड लेके आए थे, फ्लैग बियर फॉर इंडियन कॉन्टिनेंट, ठीक है दोस्तों। तो दीपक झाझरिया के बारे में आप पढ़ लीजिएगा एक बार, नेट पे जाके इनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ही पढ़ लीजिएगा। मरियप्पन थंगवेलु इंडिया के लिए फर्स्ट गोल्ड जीता है रियो पैरालंपिक गेम्स के अंदर, ठीक है दोस्तों। और मेंस हाई जंप के अंदर इन्होंने ये गोल्ड जीता है, और 1.89 मीटर्स का इन्होंने हाई जंप किया था। जेवलिन थ्रोवर देवेंद्र झाझरिया विंस गोल्ड मेडल एट रियो पैरालंपिक 2016 में, इन्होंने 2004 के अंदर भी गोल्ड मेडलिस्ट थे ये, और अभी इन्होंने 2016 के अंदर फिर से ये गोल्ड लेके आए हैं देवेंद्र झाझरिया रियो पैरालंपिक के अंदर, ठीक है। और 2 गोल्ड मेडल इनके पास होने वाले हैं, पहले प्लेयर। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है पैरालंपिक में ऐसा कौन सा प्लेयर है जो 2 गोल्ड मेडल आज तक जीत चुका है, तो उनका नाम होगा देवेंद्र झाझरिया। दीपा मलिक, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ों में चली है, शॉट पुट बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन मेडल एट पैरालंपिक, ठीक है, और सिल्वर मेडल भी इन्होंने जीता है, ठीक है, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। पुट F53 इवेंट था वहाँ पे, उसके अंदर शॉट पुट इनका गेम था, ठीक है दोस्तों। तो ये पैरालंपिक की न्यूज़ होगी, उसके बाद में मैं कुछ आपको बुक्स एंड ऑथर बता रहा हूँ, ये लिस्ट थोड़ी लंबी है,
15-20 के आसपास, इससे भी ज़्यादा बुक्स होंगी इसके अंदर, लेकिन कुछ एक बुक मैं आपको ऐसी बताने वाला हूँ जो मुझे लगता है कि वो बुक एग्ज़ाम में वही बुक आने वाली है। एक बुक है दोस्तों, ये एक बुक है सिटीजन एंड सोसाइटी। ये बुक हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद हामिद अंसारी ने लिखी है। इसके इनोग्रेशन के ऊपर हमारे राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी लॉन्च के ऊपर पहुँचे थे, इसलिए राष्ट्रपति भवन में इसको लॉन्च किया गया था, इसलिए ये किताब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसलिए आपको याद रखना है, सिटीजन एंड सोसाइटी नाम की जो बुक है हमारे वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद हामिद अंसारी ने लिखी है, वो उसके राइटर हैं, और उसके लॉन्च के ऊपर प्रधानमंत्री जी और हमारे राष्ट्रपति जी पहुँचे थे। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में इसका इनोग्रेशन, इसका जो लॉन्च किया गया था। इसके अलावा ये जो बुक है, ये उन हामिद अंसारी जी ने जो अपने लाइफ के अंदर जो कुछ लेक्चर्स डिलीवर किए हैं कुछ स्पेशल टॉपिक्स के ऊपर, उनके ऊपर रिलेटेड ये बुक है। इसके अलावा विराट कोहली की एक के ऊपर बुक लिखी है, जिसे विजय लोकपल्ली ने ये बुक लिखी है। इसके अलावा एस अग्नेश ओड्स, ये सानिया मिर्जा की बायोग्राफी है। ठीक है दोस्तों, द ग्रेट डी अरेंजमेंट क्लाइमेट चेंज एंड अनथिंकेबल, ऑथर्ड बाई अमिताभ घोष ने ये बुक लिखी है। ऐसे करके मैं लिस्ट निकालता जा रहा हूँ, आप उसको नोट डाउन करते जाइए। रिंग साइड विद विजेंदर, ये रुद्रानील सेन गुप्ता ने लिखी है ये बुक। इसके अलावा शशि कपूर द हाउस होल्डर द स्टार, ऑथर्ड बाई असीम छाबरा, ये शशि कपूर के ऊपर बुक लिखी गई है। ऐसे ही एक शत्रुघ्न सिन्हा की बायोग्राफी लिखी है, जो भारतीय प्रधान ने लिखी है। ऐसे ही फ्लाइंग इन हाई विंड्स एम मेमोरियल, ये के मिश्रा ने एक बुक लिखी है। हु वाज शिवाजी, शिवाजी के ऊपर एक गोविंद पंसारी जी ने एक बुक लिखी है। एन इलुस्ट्रेटेड बायोग्राफी, प्रमोद कपूर ने ये एक बुक लिखी है, गांधी जी के ऊपर है ये बुक। द स्टोरी ऑफ कश्मीर थ्रू द एजेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है, अर्जन नाथ चाकू, ये इन्होंने ये बुक लिखी है। फिक्स्ड कैश एंड करप्शन इन क्रिकेट, ये शांतनु गुहा रॉय ने लिखी है। क्रिकेट बहुत फेमस गेम है अपने यहाँ पे, इसलिए ये बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है। ए लाइफ इन डेमोक्रेसी, महाराज कृष्णा रस गोत्रा ने ये बुक लिखी है। इसके अलावा हु मूव्ड माई इंटरेस्ट आरबीआई की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आरबीआई की जो पूर्व गवर्नर थे उन्होंने, ध्रुवी सुब्बा राव जी ने ये बुक लिखी है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है। इसके अलावा द अनसीन इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जी की बुक है इसलिए इंपॉर्टेंट है, के पी माथुर जी ने ये इसको लिखी है। द मेकिंग ऑफ इंडिया, ये एक बुक लिखी है करतार लावनी जी ने। इसके अलावा ब्लड ऑन माई हैंड्स, ये एक अपने इंस्पेक्टर थे कुछ पुलिस में थे, इन्होंने कुछ एनकाउंटर्स के ऊपर एक बुक लिखी है, किशल्य भट्टाचार्य। ठीक है दोस्तों, ये अपनी इंपॉर्टेंट बुक्स हो गई थी। इसके अलावा भी आपको बुक्स पढ़नी है तो वो आप नेट के थ्रू या आपने पढ़ी भी होंगी, लेकिन एंड टाइम पे जो आप लास्ट के 2-3 दिन में पढ़ सकते हैं, वो उसकी इंपॉर्टेंट बुक्स मैंने आपको बता दी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो अपने वाइस प्रेसिडेंट ने जो बुक लिखी थी वो है। अब बात करते हैं रेलवे न्यूज़ की। यात्री मित्र सेवा एक लॉन्च की है अपने, जो दिव्यांग लोग हैं, जो डिसेबल्ड पीपल है, जो चल नहीं सकते, या फिर जो बुजुर्ग लोग हैं उनको व्हील चेयर, बैटरी ऑपरेटेड कार्स, ये सब प्रोवाइड कराने के लिए ये यात्री मित्र सेवा उपलब्ध कराई गई है रेलवे के द्वारा। इंडिया है सक्सेसफुली टेस्ट फायर द मोस्ट एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल बराक 8। सरफेस टू एयर अपने हिसाब की पहली मिसाइल है और मोस्ट एडवांस्ड मिसाइल है ये। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आप नेट पे जाके और एक्स्ट्रा थोड़ा पढ़िएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा इसके बारे में, ये ओडिशा से लॉन्च की गई है, चांदीपुर बलोर बालासोर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एक, उसके अंदर इसको लॉन्च किया गया, इसका टेस्ट किया गया। और पंजाब और हरियाणा के साथ एक 5 लाख ट्री लगाने के लिए एक MOU साइन किया है हमारे रेलवे डिपार्टमेंट ने, तो वो भी पूछ सकता है कि किसके साथ ये MOU साइन किया, तो पंजाब और हरियाणा उसका आंसर होगा। हाई स्पीड जो ट्रेन है, इंडिया फर्स्ट है सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है, जिसकी स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर्स नापी गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप इसे क्वेश्चन आ सकता है, रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अंत्योदय एक्सप्रेस इज द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड फुली अनरिजर्व्ड सुपरफास्ट ट्रेन इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, सुपरफास्ट ट्रेन इंडिया है। हम सफ़र एक ऐसी ट्रेन है जो फुली एयर कंडीशनल ट्रेन है। ठीक है, तेजस
विल बी ऑपरेटिंग स्पीड 130 किलोमीटर थी, जो तेजस अपनी एक रेलवे रेल ने अपनी नई ट्रेन निकाली थी उसके लिए। और ये वाईफाई भी ऑफर करती है, ठीक है, लोकल कैसीने भी, मतलब सारी टाइप की ये सुविधाएं, लग्जरी सुविधाएं इसके अंदर आपको मिलेगी। और एक डबल डेकर ट्रेन उदय नाम से एक्सप्रेस भी इन्होंने लॉन्च की है, जिसकी कैपेसिटी, मतलब कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ की है इन्होंने 40% के आसपास। और रेलवे ने एक पैसेंजर ट्रेवलिंग के लिए ई टिकट, द स्कीम वाज लॉन्च बाय यूनियन रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु इन न्यू दिल्ली। ये इंश्योरेंस स्कीम एक लॉन्च किया, बहुत अच्छी स्कीम है, इसमें 92 पैसे के अंदर 10 लाख रुपए तक का रिकवर मिलता है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट जो मैंने बताया वो नीचे लिखे हुए हैं, इसमें 92 पैसे के अंदर 10 साल तक का रिकवर लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें IRCTC की वेबसाइट से ही टिकट बुक होना चाहिए, और ये रिजर्व जो टिकट होती हैं, जो रिजर्व टिकट होती हैं, जो रिजर्वेशन होता है, उन्हीं के ऊपर ये लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ और है। इसके बाद में भारत दर्शन टूरिस्ट ट्रेन को भी लॉन्च किया है इन्होंने एक, और ई पंजाब एक्सप्रेस बिकम द फर्स्ट ट्रेन फिटेड विद CCTV सर्विलियंस कैमरा। CCTV के साथ इन सब पूरी ट्रेन में लगाए गए, तो ई पंजाब एक्सप्रेस उसका नाम है, शान ए पंजाब, शान ए पंजाब एक्सप्रेस, ठीक है दोस्तों। और इंडियन रेलवेज ने बजाज पावर के साथ एक एग्रीमेंट किया है, ठीक है दोस्तों, तो उसको आप पढ़ लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इंडिया की फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी वडोदरा के अंदर सेट की जानी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वडोदरा गुजरात। यूनियन रेलवे मिनिस्ट्री ने 1 लाख करोड़ राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष मतलब बनाया है, और श्रेष्ठ एक यूनियन एक रिसर्च सेंटर बनाया गया है, इंडियन रेलवे टू सेटअप स्पेशल विंग फॉर रिसर्च। ये श्रेष्ठ एक रिसर्च विंग होगी, जिसमें कुछ एम्प्लॉयज होंगे, वो रेलवे को सुधारने के लिए क्या क्या किया जा सकता है उस फील्ड के अंदर, ये रिसर्च करेंगे लोग। तो श्रेष्ठ नाम से कुछ आ जाए तो आप बोल दीजिएगा, इंडियन रेलवे टू सेटअप स्पेशल विंग फॉर रिसर्च है ये रेलवे के अंदर। स्टैटिक जीके में इसको नहीं बोलूंगा, एक करंट से उठाया है। देखो दोस्तों, स्टैटिक जीके वैसे बहुत बड़ा है, कुछ की क्या पता नहीं कितने डैम हैं, पता नहीं कितने नदियां हैं, किस किस को याद करोगे। सिंपल सा तरीका है स्टैटिक जीके पढ़ने का, पिछले 3 महीने में जो जो चीज़ें स्टैटिक जीके की न्यूज़ में हैं, कोई ब्रिज न्यूज़ में हैं, या फिर कोई डैम न्यूज़ में हैं, कोई नदी न्यूज़ के अंदर हैं, तो वो सारी आप पढ़ लीजिए एक बार, उन्हीं में से स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आ जाएगा, 2 से 3 क्वेश्चन इसके आते हैं। तो अभी मैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। अंडरग्राउंड म्यूजियम न्यू दिल्ली के अंदर बनेगा, ये राष्ट्रपति भवन के नीचे अंडरग्राउंड के अंदर बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो आपसे पूछ सकता है कि इंडियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड म्यूजियम कहाँ बना है, या फिर कहाँ पे स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो ये न्यू दिल्ली के अंदर आ जाएगा, राष्ट्रपति भवन के अंदर ही ये बनाया गया है। वर्ल्ड का जो टालेस्ट ग्रेडर रेल ब्रिज है वो मणिपुर के अंदर बन रहा है। मेनका गांधी ने उत्तराखंड फर्स्ट एनिमल बर्थ कंट्रोल ABC देहरादून के अंदर इन्होंने लॉन्च किया है, इनोग्रेट किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम्स में। फर्स्ट टाइगर सेल ऑफ इंडिया विल सेटअप इन देहरादून, ठीक है दोस्तों। इंडिया फर्स्ट टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी सूरत गुजरात, दोस्तों रेलवे यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात में और टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी सूरत गुजरात के अंदर, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक क्वेश्चन वहां पे मिल सकता है आपको। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका प्रेसिडेंट माइथरपाला सिरिसेना के साथ दुरिप्पा स्टेडियम इन जफाना विच वॉज रिनोवेटेड बाई इंडिया को इनोग्रेट किया है, ठीक है दोस्तों। अभी ये पूछ सकता है दुरिप्पा स्टेडियम कहाँ है, तो जफाना श्रीलंका के अंदर है, ठीक है दोस्तों। अब ये न्यूज़ में चले गए, ऐसे जरूरी नहीं है ऐसे ही पूछे कि प्राइम मिनिस्टर ने कौन से स्टेडियम का उद्घाटन किया था श्रीलंका में, यही पूछ लेगा दुरिप्पा स्टेडियम कहाँ है, तो आपको बताना है जफाना श्रीलंका, ठीक है दोस्तों। ये न्यूज़ में ऐसे चलता है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बिकम द इंडियाज फर्स्ट पोर्ट टू इम्प्लीमेंट लॉजिस्टिक डाटा टैगिंग ऑफ कंटेनर्स। पोर्ट का मतलब चाहे तो बंदरगाह होते हैं ना, वहाँ पे जो बाहर से लॉजिस्टिक, मतलब जो समुद्री जो यातायात है वहाँ से जो भी माल आता है, तो उसका लॉजिस्टिक डाटा टैगिंग ऑफ कंटेनर्स का इन्होंने एक पहली बार इम्प्लीमेंटेशन किया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के ऊपर। ये क्वेश्चन भी बड़ौदा के अंदर आ गया था। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट चरखा अनवील्ड एट द टर्मिनल 3 ऑफ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन न्यू दिल्ली। लार्जेस्ट चरखा वर्ल्ड का न्यू दिल्ली के अंदर जो अपना एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी, वहाँ पे टर्मिनल 3 के ऊपर लगाया गया है, ठीक
ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो एग्जाम्स में आया है शायद, या तो SBI में आया है या बैंक ऑफ बड़ौदा PO के अंदर आया है। अब कोची एयरपोर्ट इंडिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जो पूरी तरीके से सोलर पावर से चलेगा। इंटरनेशनल सोलर एलायंस विल बी लोकेटेड इन गुड़गांव। ये एक इंटरनेशनल सोलर एलायंस एक एजेंसी बनाई है जो गुड़गांव के अंदर इसका ऑफिस बनाया गया है। यह क्वेश्चन भी बैंक ऑफ बड़ौदा में आया था। वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल रूफटॉप सोलर पावर प्लांट इनोग्रेटेड इन अमृतसर। ये पिछले 3 महीने का ही जीके, उससे पीछे मैं नहीं गया हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यान से पढ़िए, एटलीस्ट कम से कम इन पॉइंट्स को पढ़िए। अगर पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे। बांग्लादेश इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 1320 MW कोल फायर्ड पावर प्लांट नियर सुंदरबन। ठीक है दोस्तों, न्यू अपॉइंटमेंट्स में आपको बहुत इंपॉर्टेंट कुछ अपॉइंटमेंट्स बताने वाला हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा भी कुछ बताऊंगा मैं आपको, अपॉइंटमेंट्स क्या पढ़ने हैं तो लाइन से मैं बताता जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखते जाइए। उर्जित पटेल जो अपने नए गवर्नर बने, 24th गवर्नर हैं वो RBI के, उन्होंने रघुराम राजन जो हमारे पुराने गवर्नर थे उनको रिप्लेस किया है। नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बनी है पुष्पा कमल दहाल। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट इंडियन वुमन टू ज्वाइन द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी नीता अंबानी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनिशिया यूसुफ चाहेद, नाम से ये प्राइम मिनिस्टर ट्यूनिशिया के बने हैं। बहुत सारे नए अपॉइंटमेंट हुए पिछले 3 महीने में, लेकिन आपको कुछ लिस्ट दे रहा हूँ 20-30 की, उसमें से ही आ जाएगा क्वेश्चन। न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात विजय रूपानी बने हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर नितिन पटेल बने हैं, जो आप नोट कर लीजिए, मैंने यहाँ पे शो नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिनेश कुमार खारा। ठीक है दोस्तों, MD मैनेजिंग डायरेक्टर पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट मंजुला सेल्युलर। चेयरमैन एंड CEO ऑफ जम्मू कश्मीर बैंक परवेज अहमद। चेयरमैन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड MS साहू। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक आर सुब्रमण्यन कुमार। ठीक है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का जो चीफ बने हैं वो राजीव शर्मा। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ बाल्टिक कंट्री ऑफ इस्टोनिया एस्टोनिया कैस्ट्री कलचुलेद। ठीक है दोस्तों, नाम बड़े डिफिकल्ट हैं कुछ इंटरनेशनल, आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार रिलेट करके। CBDT की बात जो अपन ने पहले भी की है, जिन्होंने ई निवारण ऐप लॉन्च किया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस उसके चेयरपर्सन सुशील चंद्र को बनाया गया है। प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी हैज़ नॉमिनेटेड एक्ट्रेस एंड BJP लीडर टू राज्यसभा रूपा गांगुली। ये जो हमारे नवजोत सिंह सिद्धू जी हैं, उन्होंने जो राज्यसभा से इस्तीफा दिया था उसके बाद में उनकी जगह रूपा गांगुली को प्रधान अपने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने इनको नॉमिनेट किया है राज्यसभा सदस्य के लिए। रूपा गांगुली के बारे में बताना चाहूँगा, महाभारत सीरियल जो पुराने टाइम पे आता था, एकदम से पुराने टाइम पे, उसमें जिन्होंने द्रौपदी का रोल किया था वही एक्ट्रेस हैं ये, जिनको रूपा गांगुली, जिनको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया है। CEO ऑफ रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस ये आशीष वोहरा को बनाया गया है। इंडियन बैंक एसोसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजीव ऋषि को इंडियन बैंक एसोसिएशन का चेयरमैन बनाया गया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोरक्को एबेदिल्ला बेकेरिन, इनको मोरक्को का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। होल टाइम मेंबरशिप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, होल टाइम मेंबरशिप मेंबर ऑफ द SEBI सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया गुरुमूर्ति महालिंगम, इनको बनाया गया है, गुरुमूर्ति महालिंगम। इसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट जो पहले थे जिम योंग किंग, उनका कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, इसलिए वो दोबारा से वही प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के। पंजाब के नए गवर्नर बनाए गए हैं VP सिंह बंदोर को, और अंडमान निकोबार का लेफ्टिनेंट गवर्नर जगदीश मुखी को बनाया गया है। LIC सर्विस कमीशन, ये यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया थोड़ा सा, UPSC जो अपना बोर्ड है, ठीक है, ये पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन,
उसकी जो चेयरपर्सन है वो अलका सिरोही को बनाया गया है। यहाँ पे प्रिंटिंग टाइपिंग के अंदर एरर हो गया है, ध्यान से देखिए। यूपीएससी का फुल फॉर्म आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। अलका सिरोही को इसके अंदर चेयरपर्सन बनाया गया है, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा इसको। वर्ल्ड बैंक के नए डायरेक्टर इंडिया के लिए जुनेद अहमद, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड बैंक न्यू डायरेक्टर फॉर इंडिया जुनेद अहमद। चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाई कोर्ट जस्टिस मोहन एम, आगे का ये संग तंग पता नहीं क्या नाम है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाई कोर्ट, ये मोहन जस्टिस मोहन एम याद रख लीजिए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक आर सुब्रमण्यम कुमार, ठीक है दोस्तों। IPPB इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जिनके अंदर वैकेंसीज भी निकली हुई हैं, आप सबको पता होगा, आर एस सोधी को उनका डायरेक्टर बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। इंप्लीमेंट डायरेक्टर पोस्ट पेमेंट बैंक, बहुत न्यूज़ों में चल रहा है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया मधुसूदन साहू को इसका मेंबर बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान नूर सुल्तान, देखो वहाँ भी सुल्तान टाइप में आ रहा है और यहाँ नूर सुल्तान आ रहा है, तो इसी से याद रख लीजिए कि कजाकिस्तान का प्रेसिडेंट नया किसको बनाया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनियन गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इन्होंने बिठाई है, जिसके चेयरपर्सन जो भी RBI का गवर्नर होगा वो होगा इस टाइम पे उर्जित पटेल हैं, तो वही इसके चेयरपर्सन हैं। प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील मिशेल टेमर इनको बनाया गया है। MD एंड CEO ऑफ SBI म्यूचुअल फंड अनुराधा राव, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रेसिडेंट ऑफ गेबोन अली बोंगो ओंडिम्बा इनको बनाया गया है। रेसलिंग डायरेक्टर ऑफ रोहतक यूनिवर्सिटी साक्षी मलिक, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है अपने रेसलिंग के अंदर 58 kg के अंदर रियो ओलंपिक 2016 के अंदर, उनको रोहतक यूनिवर्सिटी का रेसलिंग डायरेक्टर बनाया गया है। ओम प्रकाश कोहली को मध्य प्रदेश का नया गवर्नर बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर बनाए गए हैं वी शंग मुंगनाथन, वी शानमुंगनाथन इनका नाम है, और इनको गवर्नर बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश का। मणिपुर का जो गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला, जो पहले कैबिनेट मिनिस्टर थी, इन्होंने कैबिनेट मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद में उनको मणिपुर का गवर्नर बना दिया गया है। आसाम के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित को बनाया गया है। दोस्तों गवर्नर 5 से 6 स्टेट्स के अंदर चेंज हुए, एक गवर्नर आने की पूरी संभावना है। दूसरा MD एंड CEO ऑफ SBI म्यूचुअल फंड, MD ऑफ SBI दिनेश कुमार खारा, और ये अनुराधा राव, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। इसे नए इसके अंदर उर्जित पटेल का क्वेश्चन भी आ सकता है। अवार्ड्स की कुछ मैं बात करूंगा दोस्तों, अवार्ड्स बहुत सारे दिए गए हैं, आपको नोट डाउन कर लीजिए कौन कौन से अवार्ड पढ़ने। नेशनल अवार्ड स्पोर्ट्स के अंदर दिए गए हैं, ठीक है। तो खेल रत्न अवार्ड है जिसके अंदर, तो वो और बहुत सारे नेशनल और अवार्ड हैं, अर्जुन अवार्ड है, और जो कोच हैं उनके लिए द्रोणाचार्य अवार्ड है, ऐसे अवार्ड दिए गए। नेशनल अवार्ड नाम से आप नेट के ऊपर डालना, आपको सारे अवार्ड मिल जाएंगे। अभी मैं जो लेटेस्ट अवार्ड आए हैं, जो नोबल प्राइजेस दिए गए हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। मेरे को पूरी आस है कि इनमें से नोबल प्राइज़ में से ही इस बार अवार्ड का क्वेश्चन आने वाला है, तो मैं इस वीडियो में वही डिस्कस कर रहा हूँ। फिजिक्स के अंदर ये तीन लोग हैं जिनको अपनी डिस्कवरी है, इन्होंने थ्योरेटिकल डिस्कवरीज ऑफ टोपोलॉजिकल फेज ट्रांजिशन एंड टोपोलॉजिकल फेज ऑफ मैटर, इसके ऊपर इन्होंने रिसर्च किया है। डेविड डुकेन एंड मिशेल, इन्होंने ये रिसर्च किया, तो इनको तीनों को एक कंबाइंड रूप से नोबल प्राइज फिजिक्स के अंदर दिया गया है। केमिस्ट्री के अंदर प्राइज भी तीन लोगों को दिया गया है, जीन प्रिंस शेवेज, सर जे फ्रेसर स्टोडार्ट एंड बेनार्ड एल फेरेंगिना, इन तीन लोगों को केमिस्ट्री के अंदर दिया गया है। साइकोलॉजी के अंदर और मेडिसिन के अंदर यासो नूरी ओसुमी इनको दिया गया है, और डिस्कवरीज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ऑटोफेजी के लिए दिया गया है। लिटरेचर के अंदर अपने बॉब डालियन को दिया गया है, और पीस के अंदर जुआन मैनुअल सेंटोस इनको दिया गया है, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा एक अल्फर्ड नोबल पुरस्कार जो होता है, जो अपने इकोनॉमिक मेमोरी ऑफ अल्फर्ड नोबेल की, जो नोबेल प्राइज़ जिनके नाम पे है उनके नाम की मेमोरी याद रखने के लिए एक प्राइज़ दिया जाता है हर साल। इकोनॉमिक के अंदर इसको ओलिवर्ड हार्ड और बेनगेट हॉलस्ट्रोम को
दिया गया है। नाम बड़े ही डिफिकल्ट है, इनका कुछ जुगाड़ निकालना आप लोग बैठ के, कुछ रिलेट करने की कोशिश करना, जैसे फिजिक्स वालों को फिजिक्स से रिलेट करने की कोशिश करना, केमिस्ट्री वालों को केमिस्ट्री से रिलेट करने की कोशिश करना, मेडिसिन वालों को मेडिसिन से रिलेट करने की कोशिश करना, तो वहाँ से आपको ये नाम्स याद हो जाएंगे। जैसे मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, जैसे ये रहा अपना मेडिसिन, यहाँ पे मेडिसिन को आप ओसुमी के MI से रिलेट कर सकते हैं कि MI से मेडिसिन। ऐसे ही आप बाकी सारे नामों को ऐसे रिलेट करिए आप में आपस के अंदर, और नोबल प्राइज़ ये सारे के सारे एकदम से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, एक नंबर का आपका काम हो जाएगा वहाँ पे, एक नंबर आपको यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे और अवार्ड हैं, वो भी आपको देखने हैं। इंडिया की कुछ डिफरेंट इंडेक्सेस में जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगा मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, बाकी बहुत सारी रैंक्स आई हैं, आपको नेट के थ्रू जाना पड़ेगा उसके लिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की 97 रैंक दी गई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में 112 रैंक दी गई है, और 39 रैंक ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स GCI के अंदर दी गई है। इनोवेशन इंडेक्स के अंदर 66 रैंक दी गई है, और 77 रैंक वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स के अंदर दी गई है, और कनेक्टिंग टू कंप्लीट 2016 के अंदर 35 रैंक दी गई है। अब इनके अंदर किस किस कंट्री ने टॉप किया है वो सारे लोग आप लोग नेट पे सर्च करेंगे, जिससे आपको याद रहेगा, और एक आधी लिस्ट के रैंकिंग और भी मिल जाएगी आपको। कुछ नहीं है, 5 से 7 मिनट लगेंगे, आप इनको एक एक करके नेट पे सर्च कीजिए, उसके बाद में आपको इनकी टॉप कंट्रीज मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने टॉप किया है कंट्रीज में कुछ आप काम कीजिए GK के अंदर, कुछ मैं आपको बताता हूँ, दोनों मिलके अगर अपन एंड टाइम के 2-3 दिन के अंदर इसी इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो आराम से आप एक मार्क्स का बूस्टअप कर लेंगे अपना 15 से 20 नंबर का। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको यहाँ से पढ़ना है। ब्रांड एम्बेसडर्स कुछ बनाए हैं, ये ब्रांड एम्बेसडर्स बहुत फेमस लोगों को बनाया जाता है, इसलिए कई बार इनके क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो विजाग स्टील का ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु, जिन्होंने बैडमिंटन के अंदर सिल्वर मेडल जीता है, उनको बनाया गया है। सचिन तेंदुलकर को भी यहाँ पे, सचिन तेंदुलकर जी को भी यहाँ पे केरला गवर्नमेंट ने एंटी लिक्वर, जो एंटी ड्रग कैंपेगिन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में विद्या बालन को समाजवादी पेंशन योजना, जो कि यूपी की एक योजना है, उसको उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को समाजवादी किसान बीमा योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अखिलेश यादव सरकार ने यूपी के अंदर। PNB बैंक के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PNB बैंक का जो ब्रांड एम्बेसडर वो विराट कोहली को इन्होंने बनाया है। इसके बाद में अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर स्वच्छ भारत मिशन के मेन फेस होंगे कैंपेन के अंदर। निशान की नई लॉन्च कार डस्टन रेडी गो स्पोर्ट्स की ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक है। साक्षी मलिक PV सिंधु के बारे में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए मैंने ब्रांड एम्बेसडर के अंदर भी उनके नाम डाल दिए हैं, जिन जिनका उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और साक्षी मलिक को रोहतक यूनिवर्सिटी का रेसलिंग डायरेक्टर बनाया गया, तो वो भी इंपॉर्टेंट। कुछ कमेटीज़ की बात करते हैं, कमेटीज़ बहुत सारी बैठी हैं इन दिनों में, तो कुछ की मैं यहाँ पे आपको बात बता रहा हूँ। एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को कैसे मिटाया जाए, इसके लिए अरविंद पनगड़िया एक कमेटी बनाई गई है, और इनमें आप कन्फ्यूज मत होना, इसलिए मैं एक जगह दे रहा हूँ, अरविंद सुब्रमण्यम कमेटी। ये शॉर्टेज ऑफ पल्सेस, दालों की जो कमी हो गई थी मार्केट में, उसको कैसे सोल्व किया जाए, उसके बारे में ये कमेटी बनाई गई थी। इसके अलावा जो अपना रेलवे बजट को, इसमें अपने यूनियन बजट के अंदर एक ही बजट के अंदर सारे बजट्स को लाने की कोशिश कर रहे हैं, मर्जर ओ बजट कर रहे हैं, इसके लिए कमेटी बैठाई है, मीरवीरप्पन मौली कमेटी है, इसको ऊपर स्टडी करेगी, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी हो जाती है। डॉक्टर तरुण रामादोरी कमेटी, ये रिजर्व बैंक ने अपनी कमेटी बनाई है, वेरियस फैक्ट्स ऑफ हाउस होल्ड फाइनेंस इन इंडिया बेंचमार्क। ठीक है दोस्तों, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कार्ड पेमेंट को कैसे प्रमोट किया जाए, उसके लिए एक रतन पी वटाल नाम से कमेटी बिठाई है। गवर्नमेंट विल कंस्टिट्यूट ए कमेटी टू रिव्यू ई कॉमर्स रूल, उनके जो कमेटी मेंबर हैं, जो हेड हैं, या फिर जिनके नाम से कमेटी बनाई गई, वो अमिताभ कांत हैं। इसके अलावा इंडियन नेवी ने कुछ करप्शन हुआ है वहाँ पे, कुछ डैमेजेस वगैरह हुए हैं, सबमरीन में डाटा लीक हुआ है, तो उसके लिए अशोक कुमार नाम की एक कमेटी गठित की है। और बॉर्डर प्रोटेक्शन के ऊपर मधुकर गुप्ता कमेटी बिठाई है, आजकल बॉर्डर के ऊपर बड़ी न्यूज़ें आ रही हैं, तो मधुकर गुप्ता कमेटी के बारे में आपसे पूछ सकता है। डिफेंस और स्पेस की मैं 2-4 न्यूज़ें आपको बता रहा हूँ, वैसे बहुत सारी न्यूज़ेज आई हैं, आपको नेट पे भी जाना है इसके थ्रू, वैसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। इसरो ने एक इनसेट 3DR GSLV F05 से इसको लॉन्च किया है, सेटेलाइट को, GSLV F05 रॉकेट का नाम है,
इनसेट 3DR सेटेलाइट का नाम है, जो एक वेदर मॉडर्न वेदर वेदर सेटेलाइट है। इसके अलावा अपने सेना ने और यूएस की मिलिट्री ने मिलके युद्ध अभ्यास 2016 किया है, तो ये यूनाइटेड स्टेट और इंडिया के बीच हुआ है। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप हैज़ लॉन्च एट मजागोन डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड MDL मुंबई में, ठीक है। इसका नाम INS मोरमुगाव है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एस कैट सेट, ये एक सेटेलाइट वन सेटेलाइट लॉन्च किया गया है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है, इसरो ने लॉन्च किया है, ठीक है दोस्तों। और इसको PSLV से लॉन्च किया है, ठीक है दोस्तों, इसको PSLV से लॉन्च किया है, ठीक है। उसको GSLV से लॉन्च किया है, उसको इनसेट 3DR को। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तीन चार न्यूज़ है मैंने आपको यहाँ पे बताई है, इनसे कोई क्वेश्चन आने की संभावना लग रही है मेरे को, बाकी आप और न्यूज़ के थ्रू भी आपको जाना है। इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो एक्स्ट्रा में आपको क्या क्या पढ़ना है। बैंकिंग से रिलेटेड टाइप्स ऑफ अकाउंट, सेविंग अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, इनके बारे में पढ़ लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। टाइप्स ऑफ मार्केट, टैक्स सिस्टम, GST के बारे में लेटेस्ट पढ़ लेना। टर्म्स एंड डेफिनेशंस, अलग अलग टर्म्स क्या होती हैं, जैसे स्विफ्ट कोड क्या होता है, ठीक है, अलग अलग टर्म्स क्या होती हैं, बैंक रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। टाइप्स ऑफ बैंक, बैंक के कितने टाइप्स होते हैं, जैसे रीजनल रूरल बैंक हो गया, नेशनलाइज बैंक हो गए, पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए। KYC, नो योर कस्टमर, एक ID के बारे में दो चार पॉइंट्स हैं, वह आप पढ़ लीजिएगा। लेंडिंग, जो अपन ब्याज दरों के ऊपर जो लोन्स देखते हैं उनके बारे में। उसके अलावा कुछ डेज, कौन से डे कहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, योगा डे है। इसके अलावा स्कीम्स बहुत सारी हैं, ये मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में ऐड नहीं किया क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। 10 से 12 स्कीम आप उठा लीजिए पिछले 3 महीने की और उनको पढ़ लीजिए। समिट्स, ब्रिक्स के बहुत ज़्यादा समिट हुए, सार्क सम्मेलन भी हुए हैं, G20 भी हुआ है पिछले दिनों में, तो इनके बारे में पढ़ लीजिए। बैंक्स की कुछ अलग एक्स्ट्रा न्यूज़ आ रही हैं, जैसे SBI के 6 एसोसिएट बैंक को SBI में मिलाया जा रहा है और भारतीय महिला बैंक भी उसके अंदर शामिल है, तो उनके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। टाइप्स ऑफ अकाउंट, टाइप्स ऑफ मार्केट, टैक्स सिस्टम, इन सब में से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, 4 5 5 से 7 क्वेश्चन आ जाएंगे और टोटल मिला के 10 से 12 इस जो टॉपिक लिखे हुए इनमें क्वेश्चन आ जाएंगे। इससे बाहर आपको डिटेल में बैंकिंग पढ़ने की ज़्यादा कोई जरूरत नहीं है, इससे बाहर वो क्वेश्चन नहीं पूछता है। पढ़ोगे कैसे थोड़ा सा बता दें, जैसे टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ रहे हो तो सेविंग अकाउंट में इस टाइम पे क्या रेट चल रहा है, ब्याज का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। टाइप्स ऑफ मार्केट में उस मार्केट्स की फंक्शनिंग क्या है, RBI की मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ से पढ़नी है, जो मैंने यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने दे दिए हैं, इनको नोट कर लीजिएगा और कोई भी बैंकिंग की बुक उठा के उसमें से इन टॉपिक्स को पढ़ लीजिएगा। वैसे बैंकिंग बहुत बड़ा है लेकिन आपको पहले ये पढ़ना है, उसके बाद आपके पास टाइम है, आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो और भी पढ़ लीजिए, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी इन टॉपिक्स को दीजिए। आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब करने से 2 फायदे होंगे आपको, एक तो हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहेंगी, सारे एग्जाम्स के लिए हम बहुत सारे वीडियोस निकालते हैं और हमने 3 टॉपिक्स के ऊपर वीडियो अभी तक बना के डाली है, उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।